बहुत सूक्ष्म समय में बहुत इस टीम के लिए। अरे भाई लोग ये तो बहुत अरे दे अरे दे कितना बड़ा प्लांट है, मैं भी तो इधर पहली बार आया कानपुर। अरे मैं तो यहाँ आने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, यहाँ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। बताओ कब अंदर जाने को मिलेगा? अरे बाबा अभी वो सेफ्टी ऑफिसर आता होगा, एक तो बैठा बोलेगा, दो चार सवाल पूछेगा, फिर भी अरे अंदर है। अरे जल्दी बुलाओ ना उसको। अरे सेफ्टी के बारे में तो गेट में कुछ लोग आने थे, परमिट के चक्कर में हम लेट हो गए, देखो जाके गेट पे कुछ बताते हैं लोगों को सेफ्टी वीक के बारे में। हाँ आप चार लोग आने थे? नहीं नहीं तीन लोग हैं बाबा, पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेकिन मेरे को नहीं पहचानता, बाबूराव जी सेफ्टी के बारे में गेट पे आप कुछ पढ़ा लिखा? हाँ ये तो चार सवाल पता है, बाकी कुछ रहेगा क्लास पहले से देख लेंगे। बाबू जी ये क्या ले रखे हो अपने पास? अरे खांसी का दवाई है, खांसी का। इससे खांसी चली जाएगी बाबूराव जी? क्या बात करता, इससे बड़े बड़े राजा महाराजा का रंगवाला गया, मेरे बाबा का जायदाद हुआ, मेरा बाबा ही दे रहे, तू बात करता खांसी के पीछे। ला बाबू जी जाते कहते इस पर डेट नहीं। अरे अरे ये क्या ले आए लोग? अरे फेपुन दिला रे बोला। अरे अरे बाबूराव जी मोटा माटी नहीं समझने का, पूरा समझने का, यमराज आएगा तो कुछ बोलेगा नहीं। मैं नहीं जानता यमराज, समझ गया ना? समझा है तू, समझा ना रे। यम है हम है यम, यम है हम, हम है यम। यहाँ तो सब सेफ्टी से ही काम करना है, हमको तो लगता है गलत टिकट मिल गया है आने का, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमको लगता है बड़े दागे आएंगे, से बैक काम करेगा या सेफ्टी बाईपास काम करेगा उसको हम दोबारा ले जाएंगे। क्या चाहिए? समझा बाबू राव जी? वो समझा ना, ए तू समझा ना रे। नहीं समझा। ए हीरो इधर आ, क्या नाम है आपका? पुष्पराज। पुष्प नाम समझ के फ्लावर समझ गया, फायर में फायर पुष्प छूटे या निशाला। समझ रहे हैं? मारा गया रे तेरे को, मारा गया? नहीं रे बाबा, मेरा सुबह से दांत में दर्द, समय तो दांत कर रहा हूँ। प्लांट में थूकने का नहीं, थूकने का तो सही जगह थूकने का, सफाई और स्वच्छ रखने का। समझ गया ना? तीसरा कौन है? तीसरा बादशाह, तीसरा बादशाह हम है। ए बादशाह इधर आओ। हाँ बोलो साहब। क्या नाम है आपका? झने को राग कहते हैं, विधि को राग कहते हैं, उस राग से निकला बारूद उसे बस देव ना। अरे पी के अंदर आ गए प्लांट में, जो आग लगेगी उसे सर्वनाश कहते हैं, सर्वनाश में तुम चले जाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे को अनाथ कहते हैं। विश्वनाथ प्लांट में आना है तो पी के नहीं आने का, सफाई और स्वच्छ रखने का। समझ गया ना? हाँ तो फेंक दो इसे। ठीक है साहब।
समझ गया ना, याद है बाबूराव जी? हो हो, याद है ना, याद है ना। ए बाबा याद है ना सबको रे? हां हां ठीक है। ए सेफ्टी वाले साहब, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझ गया। अरे पुष्पाराज हमें अंदर आया, सेफ्टी अच्छे अच्छे को झुका देती है। फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं फायर, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। समझ गया ना? रोकने का नहीं, रोकने का नहीं, पीने का नहीं, नहीं पिएगा साहब, नहीं पिएगा। सेफ्टी रूल फॉलो करने का, कंपनी के अंदर काम करने का, समझ गया ना? आइए अंदर मिलते हैं। तुम समझा ना रे पुष्पा। चलो चलो अरे चलो ना बाबा, लेट हो रहा है। हो हेलो रे। अरे पुष्पा ये हेलमेट पहन ले, ये बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ पे सारे वर्कर हेलमेट में नजर आते हैं। अरे बासु अभी मैं सेफ्टी वाले साहब को समझाया, तुमको क्या अलग से समझाओ? पुष्पा झुकेगा नहीं सारा, कोई नहीं झुकेगा, चलो ऐसे ही काम करेंगे। हो ना, चलो। तेरी झलक सर भी लगी क्या मेरे को? अरे लगी पहले बताओ, इधर सला पाइप को रखा। पुष्पा ये प्रोसेस प्लांट है, यहाँ पर इधर का पाइप उधर, उधर का पाइप कहीं और उधर, मेरे को नहीं मालूम कौन पाइप किधर जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि ये हेलमेट पहन ले। अरे हाँ ना रे पुष्पा, इधर प्लांट में काम करने वाला हेलमेट पहनना जरूरी है रे। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अभी प्लांट में चाहे पैकिंग प्लांट हो, मिल बिल्डिंग हो, कहीं भी झुकेगा नहीं साला। ना तो हेलमेट पहनेगा, ना बेल्ट पहनेगा, ना जूता पहनेगा, ऐसा ही काम करेगा। चलो अरे देवा, अरे देवा झुका दे इसको, झुका दे। अरे उसके दांत पे बुला देना रे देवा। उसका सेफ्टी और हेलमेट के सामने झुकना सीख ले, अन्यथा तू किसी दिन शमशान घाट पर पड़ा मिलेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे पुष्पा लगी क्या आपको? बोला था ना आपको हेलमेट पहनने का। सेफ्टी वाले साहब अभी हम ऐसे ही पूरे प्लांट में घूमता है और मुझे कुछ नहीं होता, और अभी कहीं भी जाएगा सब जानता है पुष्पा कौन है, और तुम ये हरा टोपा पहन के घूमते रहते हो। अंदर सेफ्टी मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर है कि सुपरवाइजर है कोई नहीं जानता, इसलिए अपने काम से काम रखने का, पुष्पा के टांग में नहीं टांग नहीं जलाने का। क्या पुष्पा झुकेगा नहीं साला? आपको अभी इसी वक्त हम प्लांट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे आपको, सेफ्टी के आगे छुपाएंगे और किसी दूसरे के आगे नहीं। सी यू सून। सी यू सून। अरे नयाब करके चप्पल पहन के नाचेगा तो चलेगा रे देवा? अरे प्लांट में काम करेगा ना तो तेरे को जूता पहनना पड़ेगा रे, तू जूता कहीं को नहीं पहनता। बाबू राव अभी ये सेफ्टी सूट पहनने के लिए झुकना पड़ेगा। उस पर झुकेगा नहीं साला, झुकना रे बाबू राव। तुमने वल्ली के नाम लेके मेरे को बहुत रोमांटिक कर दिया है। अरे पुष्पा सभी के दिल में वल्ली रहती रे, टेंशन नहीं लेने का। मेरी वल्ली के लिए मैं चप्पल क्या खाली पैर दौड़ सकता है? ये मिल क्या चीज है? ऊपर भी चढ़ सकता है मैं? अरे पुष्पा, अरे वही अपनी वल्ली के लिए तो सेफ्टी का पालन कर। ठीक है अभी ज्यादा पुष्पा को समझाने का, अभी काम कर रहे, चलो चलो रे भैया, चलो चलो चलो। अरे काम करो काम। अरे कोई ना रे, अरे बहुत चोट लगी रे, उसको खून निकल गया। अरे पाइप नहीं सारा मेरे बंदो। अरे इस वक्त
तो बहुत खून तो पूरा फट गया रे, ये तो पाइप पे लग गया। अरे इसका पैर सीधा करो। पुष्पा तुमने नहीं माना ना? अरे तेरे को पता, बोल रहे थे ना तू सेफ्टी मानक बाबा। आज सेफ्टी का पावर समझ में आया भाई। आज मैं सेफ्टी सूज पहनना होता तो मेरा पैर नहीं कटता, और अगर हेलमेट पहनना होता तो सर नहीं फूटता। आज उस पहाड़ के नीचे आया, इसीलिए आज के बाद से पुष्पा सेफ्टी के आगे झुकेगा भी और उसका पालन भी करेगा। बोलो जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। बहुत दर्द हो रहा है बाबू भैया, आज अगर मेरा पैर नहीं होता तो वो नहीं जाता रे देखा पुष्पा। अरे बोला था ना कि सेफ्टी सूज पहनेगा, सेफ्टी हेलमेट पहनेगा, आप पहने होते तो ऐसा नहीं होता। सेफ्टी साहब इसमें कोई पुष्पा हो तभी सुधर जाओ, वरना यही हाल होगा जो पुष्पा का हुआ है। अरे देवा रे देवा, तुमको मालूम क्या, तब किसी प्लांट में काम करने जाता ना तो सारा टीपी में रहने का, और दूसरा काम करना ना तो बिना परमिट के तो काम बिल्कुल नहीं करने का, एसओपी वगैरह सब चेक करने का बाबा, तुम समझा ना रे देवा। चेकलिस्ट भूल रहा है तुम बाबा, वो भी चेकलिस्ट भी साथ में रखने का, समझे ना। ए, अब ये जो बाबू राव बोला ना ये सब याद रखने का, नहीं तो पुष्पा बनने की कोशिश करेगा ना तो टूटा टूटा पुष्पा बनेगा। तो पुष्पा बनेगा क्या? पुष्पा बनना नहीं है क्या बाबू राव? पुष्पा झुकेगा सेफ्टी के आगे। प्लांट में थूकने का नहीं, थूकने का नहीं, जैसे पैकी प्लांट को कोना कोना में लाल कर दिया है और सुलम में भी शौचालय में चार साल गंद मचा रखा है, तो सुधारो भाई सुधारो। बी बिरला तो इन सारे कलाकारों के लिए एक विशेष ताली बजती है, बनती है आपकी तरफ से। बहुत सूक्ष्म समय में बहुत बड़ा प्रयास रहा।